हाय फ्रेंड्स, टेक मोबाइल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे वीवो Y81 का FRP बाईपास कैसे किया जाता है बहुत ही इजी वे में। और इसका मॉडल नंबर है वीवो Y81। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो FRP यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है, तो इसका प्रूफ अभी आपको दिख जाएगा, तो देख सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो और एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें वाईफाई का जो कनेक्शन के लिए ऑप्शन होता है वो है नहीं, तो इसमें हम करेंगे क्या, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें स्क्रीन को स्वाइप अप कर लेना है नीचे से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन आ चुका है, इसको थोड़ा टच करके रखना है, खोल ले, ओपन कर लेते हैं वाईफाई को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई ऑप्शन शो हो चुका है, तो वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं। तो वाईफाई हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें वाईफाई ऑप्शन को निकाल के मोर में टच कर लेना है, और यहाँ पे हमें स्मार्ट मिररिंग में टच कर लेना है। अब हमें यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में आपको दिखेगा सेटिंग्स का सिंबल है, इसमें टच कर लेना है। अब हमें यहाँ पे डी लैन ऑप्शन में टच कर लेना है। यहाँ पे हमें शेयर लोकल मीडिया को चालू कर लेना है। अब हमें यहाँ पे डिवाइस नेम में टच कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्ट का सिंबल में टच कर लेना है। अब हमें यहाँ पे टच कर लेना है, यहाँ पे सेटिंग्स में टच कर लेना है। अब हमें यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट में टच कर लेना है। यहाँ पे हमें बग रिपोर्ट में टच कर लेना है। अब हमें यहाँ पे मैसेज ऑप्शन को टच कर लेना है। अब यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, टाइप करके हमें वेब सर्च कर लेना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं ब्राउज़र हमारा ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है गूगल अकाउंट मैनेजर 6.01 और क्विक शॉर्टकट मेकर 2.40। तो चलिए डाउनलोड करते हैं। और तो गूगल अकाउंट मैनेजर डाउनलोड हो चुका है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। तो अब हम डाउनलोड करेंगे क्विक शॉर्टकट मेकर को, तो चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं डाउनलोड करने के बाद। तो क्विक शॉर्टकट मेकर हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो अब हमें इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमें टाइप करना है गूगल अकाउंट मैनेजर। गूगल अकाउंट मैनेजर को हम खोल लेते हैं। यहाँ पे हमें सर्च करना है टाइप योर ईमेल एंड पासवर्ड, इसमें टच कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 3 डॉट पे टच करके ब्राउज एंड साइन इन कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे कोई भी जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, तो कर लेते हैं लॉगिन। अब हमें फोन को करना है रीस्टार्ट, तो चलिए रीस्टार्ट कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। आप देख सकते हैं फोन हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है। अब हमें सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पे हमें मोर सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे हमें अबाउट फोन में जाना है। अब
अब हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्सन को 7 टाइम टच करके डेवलपर ऑप्शन को चालू कर लेना है। तो हमारा डेवलपर ऑप्शन चालू हो चुका है, तो अब हमें डेवलपर ऑप्शन में जाना है और डेवलपर ऑप्शन में हमें OEM को एनेबल कर लेना है। उसके बाद हमें सेट को कर लेना है रीसेट। तो फोन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ। बाय।